on your wall. और ये देखें, मैं आपको सूट दिखाना भूल गई थी. So nice. मुझे इतने सारे कमेंट्स आने चाहिए, इतने सारे. मुझे यकीन ना हो कि इतने सारे कमेंट्स आने चाहिए. बट देखते हैं, ये देखें, नीचे से इस फ्रॉक के मोती भी लगे हुए हैं और इसके साथ ये वाला पर्स भी है और इसके साथ ये वाला दुपट्टा भी है और इसकी ठीक लुक ये वाली है. बाकी है ये ऐसे. मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरी वीडियो कैसे बनाऊँ, मेरे बाल बिखर जाते हैं. मैंने कहा वैसे भी तो बनाते ही हैं. मैंने कहा बाबा, मैंने कहा वैसे भी बनाते हैं, वो कैसे बना लेते हैं. और कहते कर्ली बाल आते हैं, लगते हैं खुले रख लो. मैंने कहा खुले ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, थोड़े खड़े यहाँ से ऐसे, ज़रा ऐसे हो ना, ऐसे सिर्फ ना एक ही बाल एक ही साइड पे, तो ना मुझे कोई फिक्र नहीं है अपने बालों की. तो मैं कभी कभार बोने खुदी कर लेती हूँ. तो मैंने आपको एक ऑयल दिखाना था, उससे कर्ली बाल भी ठीक रहते हैं. ज़्यादा जो कर्ली बाल हो ना उनकी, वो ना ठीक से ब्रश हो जाते हैं. मतलब एक ये है और ये वहाँ पर ठीक है. यहाँ पे रख लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको. तो ये देखें, ये है एक ऑयल, ये कंपनी है, यहाँ पे लिखा हो गया मुंडियाल आलमंड ऑयल है. इसके इतने टेस्ट हुए हैं, ये टेस्ट हो क्या है, इसकी कोई खुशबू भी नहीं है. सोते हैं, अभी सोना भी पड़ेगा. तो ये आलमंड ऑयल ये लिखा हुआ, ये देखें. तो यहाँ पे मुंडियाल, ये बहुत अच्छा है ऑयल है. इससे जितने भी कर्ली बाल हों, जिनके बोनी वगैरह या ब्रश वगैरह ना हो, वो उनको ना ठीक कर देता है ये वाला. इससे ना आसानी से, बहुत आसानी से हो जाते हैं. आप लोगों ने कई आलमंड ऑयल यूज़ किए होंगे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. फिर ना हम लोग एक गवर्नमेंट कॉलोनी में ही रहते हैं, वहाँ पे ना मेरी भी एक फ्रेंड है, न्यू आई है, वो मेरी फ्रेंड बन गई. हम लोगों ने उनको दावत पे बुलाया था ना, इसीलिए दावत पे आए तब से मेरी फ्रेंड बन गई. तो उन्होंने हमें बताया, उनकी भी मेरी फ्रेंड मालास से ही कर ली हैं, तो इसलिए वो भी यही ऑयल लगाती है. भाई यही उसके एकदम पहले सीधे थे, वो ये ऑयल नहीं लगाती, उसकी मम्मा लगाती हैं. उसके मम्मा ने बताया कि ऑयल आपको ठीक लगेगा, तो मैंने लगा के उन्हीं के घर पहले चेक किया लगा के, वो ठीक था. फिर हम लोग ये बड़ी वाली बोतल लेके आए, ये वाली आपको दिखाई थी मैंने. ये क्या देखी जा रही है, क्या देखी जा रही है, क्या आया पीछा. अच्छा मम्मा, चलो मम्मा ये कच्चा आलू खा गए भाई साहब. मम्मा पकोड़े बनाने लगी हैं भाई, कच्चा आलू खा रहा है.
पकौड़े में आलू नहीं डालते हैं। आप लोग भी एक खुद देखते हो गया, आप मम्मा डालती होंगी। ये देखे पहले मम्मा ने डाला, अभी ऑयल डाला, चींटू ना पड़ जाए। मैंने कहा पहले ही चली जाती हूँ, आलू भी डालना है, मम्मी ने फ्राई कर लिया। चलो अभी रंग देती हूँ यहाँ मैं। तब मैं आपको ये दिखाती हूँ। इतनी प्याज, इसमें मम्मा ने आलू कट कर लिए और इसमें मम्मा ने प्याज डाल दिया। अभी मम्मा ने लाल मिर्च डाल दी, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखे। लाल मिर्च डाल दी मम्मा ने। और ये याद रखिएगा, वो जो मैंने अभी आपको ऑयल दिखाया ना, पहले आपने ऑयल रखना है, फिर प्याज डाल देने हैं, फिर आपने हरी लाल मिर्च डाल देनी है, फिर आपने साल डालना। सबसे पहले आपने आलू कट करना। और ये क्या है? थर्मेइन पाउडर, थर्मेइन पाउडर डाल देना। और ये क्या है? पता नहीं क्या। हाँ अब पता चला मुझे, बेसन है ये, बेसन। मुझे लग रहा है मैं आपका व्लॉग बना रही हूँ। गाइस तो मम्मा ने ये इतना ज्यादा बेसन डाल दिया है क्या? तो गाइस मेरा व्लॉग बन रहा है, मम्मा का मेरा। और मम्मा ने बेसन अभी मिक्स करना है इसको। अरे इसको इसके बाद इसको मिक्स करना है। पहले बेसन डाला है, फिर इसको मिक्स किया है, अब इसको फोक लिया है, फिर मिक्स किया है। और अब गाइस मामा अब कड़ी जाने कड़ी जाने। अब मम्मा ने पता नहीं क्या, मम्मा ना साथ जोड़ेगी पता नहीं, मैं देखती नहीं हूँ कि मम्मा पकौड़े कैसे बन जाते हैं, मम्मा शेप कैसे बनाती है उनकी। तो मम्मा इसको ऐसे ऐसे करती है तो ही झुक जाते हैं, डाल देना तो खुद ही किस तरह से ऐसे होता है। तो मम्मा इसके अंदर डालती हैं गाइस। तो फिर मेरा हाथ थक गया गाइस। पहले इसके फिर इसके अंदर पानी डाला है गाइस, इसके अंदर पानी डाला है। मैं ना देखती हूँ, लगता मैं उधर देख रही हूँ, उधर जब कोई पीछे रखूँ तब लगता हूँ। और ये ऑयल अभी तक गर्म हो रहा, ये मम्मा मिक्स कर लिया अच्छी तरह। थोड़ा पानी ऑयल बन रहा है, लगता ऑयल डाला हुआ है या फिर कोई पानी और नमक डाला हुआ है। और बेसन भी डाला हुआ, इतना कुछ डाला हुआ, लाल मिर्च डाले और पाउडर डाला हुआ है। मामा ने इतना ज्यादा बेसन डाला है और इतना ज्यादा कूलर से पीने वाला पानी डाला है गाइस। पानी पानी डाला मामा? हाँ डाला। और अब मामा अब बाबा क्या कर रहे हैं? वीडियो अपलोड वीडियो अपलोड कर रहे हैं या फिर अभी आप थंबनेल बना रहे हैं? छोड़। अच्छा फिर वो कोई ऑफिस का। बाबा जब कहते हैं ना मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, फिर बाबा ने पहले मुझे बताया, मैं पूछ रही थी बाबा आप कहते हैं कुछ और काम कर रहा हूँ, फिर आप क्या काम कर रहे होते हैं? आप कहते हैं ऑफिस का। फिर तब से मैं ऑफिस का काम कर रहे हैं, फिर ऑफिस का ही कर रहे होंगे। अब रिमोट कहाँ पे है? चलो व्लॉग बनाऊंगी। तुम मैं ना थोड़ा कट मुझे मैं बार बार अपना सूट दिखाई जाऊँ, ये ना इतना प्यारा है। हम लोग आज ही मदीना चौक से लेके आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले मदीना चौक से ही हम लोग लेके आए हैं।
तो ये मम्मा अभी मिक्स कर रही है। अब क्या डाला है? मेथी। अब डाला है मम्मा ने, अब मम्मा ने डाली है मेथी। हम मम्मा ने डाली है गाइस मेथी, फिर मम्मा ने पता है कुछ ग्रीन ग्रीन सा डाला है, हरी मिर्च या हरी मिर्च में मेथी डाली है, मेथी भी डाली है गाइस, और मम्मा ने कुछ और भी डाला है गाइस, पता नहीं है क्या क्या डाला। ओह पहले अब इधर लाए जरा, अब ये देखिए मैं थोड़ा जरा पीछे हो जाऊं। शरारत बोली जा रही है, बंद नहीं करवा रही शरारत। जितने भी हैं मम्मा डाल रही हैं गाइस, मम्मा थोड़े डाल रही हैं तक ये ज्यादा है गाइस। मैं ना गुस्सा निकाल दूंगी मोबाइल पे, गुस्सा निकालूंगी गाइस, मैं नहीं निकालूंगी गाइस गाइस गाइस, तुम्हारे ऊपर निकालूंगी गुस्सा। दूंगा वाला बाय-बाय, मैं दोनों बनाऊंगी। आप बना रहे हैं बाबा वीडियो का व्लॉग, जैसे हर एक वीडियो के बाहर लगा होता है कुछ ना कुछ लगी होती है ना वही तस्वीर वगैरह, हानिया व्लॉग जैसे, ऐसे मैं लगाऊंगी अपना हानिया व्लॉग वेलकम, ऐसे ही ना छोटा मोटा बाबा वीडियो के आगे लगाते हैं। थंबनेल में भूल ही जाती हूँ, थंबनेल एक कैनवा भी है वो भी भवन से करवा, वो भी आसान ही है बाबा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाबा जी। ओ शायद मेरे पास टाइम नहीं हो कंप्यूटर चलाने का बाबा। कैनवा कैनवा तो है ये सारा, आपको भी आता होगा। हाँ जी आपने वीडियो बनानी है